और वहाँ कोई बेटे विधायक, हालांकि आपने यहाँ विधायक है नहीं, नहीं तो मतलब लक्ष्मीकांत जी विधायक नहीं है, नहीं तो कोई विधायक था। चलो चिट्ठी तो लिखी देंगे। एक्चुअली आप तो ये समझिए कि मेरे पास ये लास्ट चांस है, मैं 40 साल की करते हैं बेटा, करते हैं बेटे, बहुत मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, करते हैं बेटा, करेंगे पूरी मदद करेंगे, जितना पैसा चला जाएगा, पैसा चला जाएगा। ठीक है बेटा, परसों ले लीजिएगा। ठीक अड़सठ हजार पाँच सौ की बची हुई 22,000 सीट को 69,000 में जोड़ने के लिए जो अभ्यर्थियों का कार्यक्रम था, जिसमें राजेंद्र अग्रवाल जी जो कि सांसद लोकसभा हैं मेरठ हापुड़ उत्तर प्रदेश, ये सभापति भी हैं सरकारी आश्वासन संबंधी समिति की। इसके अलावा सदस्य हैं ये सभापति पैनल लोकसभा के, और अस्थाई समिति मानव संसाधन विकास के भी सदस्य हैं। इसके अलावा परामर्शदात्री समिति गृह मंत्रालय के भी सदस्य हैं। इनको अभ्यर्थियों ने जो ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री जी के नाम पर, तो वो उस लेटर को वहाँ पे पहुँचा दिए हैं, यानी मुख्यमंत्री कार्यालय तक अपने पत्र के साथ। यहाँ पे लिखा है, मैं पूजा वशिष्ठ अभ्यर्थियों का एक प्रत्यावेदन संलग्न कर रहा हूँ। यहाँ संलग्न जो किया गया है 68,500 की शिक्षक भर्ती में योग्य विद्वान नहीं मिलने के कारण लगभग 22,000 से ज़्यादा रिक्त पद रह गए थे। इसके पश्चात 69,000 की शिक्षक भर्ती में अभी लगभग 9,000 से 10,000 पद रिक्त हैं। इस प्रकार लगभग 31,000 से अधिक पद रिक्त हैं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त प्रत्यावेदन का सहानुभूतिपूर्वक संज्ञान लेते हुए इन रिक्त पदों की तीसरी काउंसलिंग कराने हेतु आदेश जारी करने की कृपा करें। सादर भावदीप राजेंद्र कुमार, राजेंद्र अग्रवाल, श्री आदित्य योगी नाथ जी जो कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को लिखा गया पत्र है, जो कि उनके कार्यालय में और उनकी वर्चुअल ऑफिस ऑनलाइन पोस्ट कर दिया गया है। और वहाँ कोई बेटे विधायक, हालांकि आपने यहाँ विधायक है नहीं, तो लक्ष्मीकांत जी विधायक नहीं है, नहीं तो कोई विधायक था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती के अपडेट न्यूज में। तो बात हो गई आज 22,000 सीट जोड़ने के लिए लगातार जो अभ्यर्थियों का प्रयास है वो लगातार बड़ा होता चला जा रहा है, इसमें कई 100 लोग और भी जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ज्ञापन कार्यक्रम, ये फिरोजाबाद का है न्यूज, जहाँ पर ज्ञापन कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बात को उच्च स्तर तक पहुँचाने के लिए अभ्यर्थियों का हुजूम उमड़ा और यहाँ पर प्रयास किया गया 22,000 सीट को जोड़ करके जो योग्य अभ्यर्थी हैं जो कुछ गुणांक से बाहर है उनके साथ न्याय हो सके। तो यहाँ पर देखिए फिरोजाबाद के बाद ये सांसद से मिलने पहुँचे हैं, ट्वीटों के माध्यम से आपको बताया भी गया है कि सांसद महोदय से खुद मिल करके इनको ज्ञापन सौंपा गया और वहाँ पर सांसद जी ने तो आश्वासन दिया आपको न्याय दिया जाएगा। वहीं जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें कहा गया कि 68,569 दोनों की भर्ती के भाग, यानी 137,000 भर्ती तब तक काउंसलिंग करवाइए जब तक पूरे 137,000 पद नहीं पूरे जाते, जैसा कि ऑनलाइन टीवी के एक इंटरव्यू में बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री जी ने कहा था, ये ज्ञापन में लिखा गया। एक पॉइंट ये भी जोड़ा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कहा था जो मंत्री जी ने कहा। ज्ञापन में भी लिखा है क्योंकि मंत्री जी ने भी कहा था कि एक भर्ती की बची हुई सीटें जो होती हैं अगली भर्ती में कैरी फॉरवर्ड होती हैं, तो 68,569 में ही करा लो कैरी फॉरवर्ड, ये भी कहा गया क्योंकि ये 68,500 की सीट है तो कैरी फॉरवर्ड किसमें होगा, 69,000 में होगा, 69,000 में योग्य अभ्यर्थी है। फिलहाल सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि जल्द ही आप लोगों के समक्ष धरने के डेट जो कि रखा जाएगा, जिसमें 22,000 सीट जुड़वाने के लिए सक्रिय 15 सदस्यों की टीम की सहमति से धरना प्रमुख का पद जो है विवेक जी द्वारा प्रयागराज को दिया जाता है।